हमारे समाज में बुजुर्गों और दिव्यांग जनों को अक्सर अपनों से ही प्रताड़ित होना पड़ता है, क्योंकि बुजुर्ग और दिव्यांग जनों को घर वाले ही बोझ समझने लगते हैं। ऐसे में हमारे समाज में कई सामाजिक संस्थाएं हैं जो बुजुर्गों और दिव्यांग जनों को मदद और सुविधा प्रदान करने के लिए काम करती है। ऐसी एक संस्था है माया केयर फाउंडेशन। माया केयर फाउंडेशन बुजुर्ग और दिव्यांग जनों को खुशहाल और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सालों से काम कर रही है। दरअसल माया केयर फाउंडेशन पिछले 13 वर्षों से सभी जरूरतमंद बुजुर्गों को उनकी भावनात्मक और बौद्धिक जरूरतों को पूरा करने के लिए मुफ्त सेवाएं प्रदान कर रही है, ताकि वे एक सुखी और आत्मनिर्भर जीवन जी सके, जिनमें वरिष्ठों को अस्पताल ले जाना, बैंक के कामकाज में मदद कराना, सरकारी काम में मदद करना, दुकानों से दवाइयां लाना, उनके साथ बगीचे में टहलना, वीडियो कॉल करने में उनकी मदद करना, उनके लिए पढ़ना और लिखना, उनके साथ मनोरंजक खेल खेलना, उनके साथ फुर्सत का समय निकालकर उनके साथ बातचीत करना और उनके लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करने जैसी समाजहितैषी काम शामिल है। ऐसी कई तरह की सुविधा वफादार स्वयं सेवकों की मदद से बुजुर्गों को मुफ्त में प्रदान की जाती है। इसके लिए संस्था के स्वयं सेवक को आने जाने का खर्चा दिया जाता है, ताकि वो अपना सामाजिक कार्य अच्छी तरह से शुरू रखे। वहीं संस्था से जुड़े 100 से अधिक विकलांग लोग अपने घर में बैठकर संस्था का कार्य कर रहे हैं, जिससे उन्हें रोजगार भी मिल रहा है और वे भी आत्मनिर्भर होकर जिंदगी जी रहे हैं। इस संस्था के माध्यम से अब तक 1500 वरिष्ठ जनों का 11,000 से अधिक बार दौरा किया जा चुका है। वर्तमान में ये संगठन भारत के 39 शहरों और यूके के 4 शहरों में काम करता है, जिनमें महाराष्ट्र के 20 शहर शामिल हैं। माया फाउंडेशन महाराष्ट्र के कोल्हापुर, सांगली, सतारा, सोलापुर, नासिक, नागपुर, औरंगाबाद, अहमदनगर, नंदुरबार, अमरावती, जलगांव, परभनी, चंद्रपुर, यवतमाल, अकोला, बुलढाणा, वर्धा, जालना, पुणे और मुंबई जैसे शहरों में अपनी सेवाएं मुफ्त में बुजुर्गों को प्रदान करती है। अगर आपको भी माया फाउंडेशन की सुविधाओं का लाभ उठाना है, तो आप 9552510044 या फिर 9552510411 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या www.mayacare.org पर जाकर भी आप संस्था से जुड़ सकते हैं। इस संस्था का उद्देश्य बुजुर्गों को अपने घर और वृद्धाश्रम में स्वतंत्र, सुखी और आरामदायक जीवन जीने में सक्षम बनाना है। वही विकलांग व्यक्तियों को उनके घर से काम मुहैया कराकर उन्हें सक्षम बनाना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए संस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।